कोई नहीं तो आपको बता दें, फिलहाल मौके पर अभी उनके परिवार के कुछ और लोग भी पहुंचे हुए हैं। जो बहन है फिलहाल वो भी मौके पर आप देख रहे हैं, और साथ में आप चाचा हो, चाचा ही है। माली बाप है, कोई नहीं का। आप चाचा हो, इनके चाचा हो? हाँ मैं चाचा हूँ। नरबाग मगर मेरी चौधरी बाग में चाचा ही निकल रहा है, यहाँ मेरी बेटी रहा है। यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो चाचा हैं वो भी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं, और काफी मुश्किल है इस परिवार के लिए। क्या हो गया अचानक से, उस लड़की ने अपनी जो है जान दे दी इस नहर में कूदकर, क्योंकि इस नहर में वो कूदी थी, उसे बचाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उस लड़की ने जो है वापस इस नहर में कूद गई। जिस युवक ने उसे बचाने के प्रयास किया, उसे धक्का मार कर उसकी गर्दन दबा कर वो नहर में कूद गई। हालांकि मौके पर जो बता दें कि जो गोताखोर है उन्हें भी जल्दी ही मौके पर जो है अभी बुला लिया गया है, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो फिलहाल शुरू जरूर किया जाएगा। बाथरूम तो मैं स्कूल से हटकर मैं काम को कर रही हूं, कॉलेज पढ़ने आई थी यहां पे। कॉलेज में अभी फिलहाल बता दें कि सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाना है। इंतज़ार है बस जल्दी ही जो गोताखोर हैं वो मौके पर पहुंच जाएं, क्योंकि पानी की जो रफ्तार है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो अभी फ़िलहाल बस सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, उसके बाद जो है फ़िलहाल अभी कहना बहुत कुछ जो है कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। और बता दें कि गोताखोरों से पहले परिवार के लोग जो हैं वो नहर के अंदर जो है फ़िलहाल रस्से की मदद से जो है उस लड़की को जो है फ़िलहाल ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो लड़की है फिलहाल सामने नहर से ही उसने छलांग जो थी वो जंप कर दिया था। काफ़ी दुखद खबर है उस परिवार के लिए। आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो परिजनों का, बहन का क्या हाल है इस समय। जो बता दें कि ये दोनों बहनों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, दोनों बहनें जो अपने नाना के पास जो है फ़िलहाल रहती हैं, और मौके पर जो उनके चाचा हैं वो भी आप मौके पर देख पा रहे हैं। तो इस समय जो बैग है, ये बैग सिया का है, जो उसकी बहन है सिया, उसका ये बैग है जिस बैग को छोड़कर उसने जंप जो है वो किया था, आप देख पा रहे हैं। और इसी बैग के साथ वो यहाँ पर आई थी, बीए की पढ़ाई कर रही थी, और साथ में बता रहे हैं कि खालसा कॉलेज में वो बीए की पढ़ाई जो है फ़िलहाल कर रही थी। लेकिन क्या कुछ कारण रहे जो उसने इस तरीके से जंप कर दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जो सिया की तस्वीर, मैं आपको सिया की तस्वीर जो है फ़िलहाल मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये सिया की तस्वीर है, और ये बीए की पढ़ाई जो है फ़िलहाल कर रही थी। और यहाँ पर फिलहाल उस परिवार के लिए बहुत ही दुखद खबर ज़रूर है, लेकिन जल्दी ही सिया को बचाने के प्रयास के लिए, यानी कि सिया जो है फ़िलहाल उसके सिया को ढूंढने का प्रयास जो है फ़िलहाल किया जाएगा। जल्दी ही गोताखोर जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। सिया अच्छा मौके अच्छा तो आप सिया की नानी हो? अच्छा तो आज सुबह क्या बोल के गई थी? कुछ नहीं, 12 बजे घर थी वहाँ। अच्छा 12 बजे तवा बैग बुक कपड़े कुपड़े पैर का, ठीक है, और वह निकली। अच्छा। मेरी दरियानी ना भी देखती। हाँ, हाँ। बोली नानी मैं पेपर देने जाऊं। अच्छा और रो दिया करे थी। अच्छा हम ना बेरा या आन कर रही सुबह जा रही थी जब। हाँ। बातचीत करी कोई दुखी, कोई दुख, कोई परेशानी तो नहीं थी? तो तिखार कर रहा था, उसके भाई ने धमका दी थी। भाई वाह किस बात, किस बात, क्यों नहीं बेरा मना, किस बात पर भाई बहनों में झगड़ा हो गया था? हाँ भाई बाहर का झगड़ा हो गया। तो अभी फ़िलहाल जो ये उसकी नानी है जो फ़िलहाल बता रही हैं कि सुबह वो निकली थी, भाई बहनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये तो अभी फ़िलहाल आगे ही पता चल पाएगा क्या कुछ कारण रहे। लेकिन फ़िलहाल बहन जो है काफ़ी रोती बिलबिलाती यहाँ पर पहुँची, जो गुहार लगा रही थी कि उसकी बहन को ढूँढने का प्रयास करो, बहन को बचाने की कोशिश करो, लेकिन तब तक बहन जो थी वो फ़िलहाल काफ़ी आगे तक बह चुकी थी। जिन्होंने बचाने का प्रयास किया उसके ऊपर भी एक तरीके से गर्दन मरोड़ी सिया ने उसकी,
फिर उसके बाद उसने दोबारा इस पानी के अंदर जंप कर दिया। और दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल आसपास के जो लोग हैं फिलहाल वही ढूंढने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं सिया को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पानी हालांकि ज़्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की जो रफ्तार है, बीच में जो ये पानी है बीच से काफ़ी गहरा है, साइडों से पानी जो है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये पानी की रफ्तार जो है वो आदमी को डगमगा कर जो है डुबा ज़रूर सकती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसी जगह पर उस लड़के ने भी बचाने का प्रयास किया था, जो लड़का बताया जा रहा है पुंडरक का था, लेकिन उसकी भी गर्दन मरोड़ कर सिया ने जो है फिर से इसके पानी के अंदर जंप लगा दी और फिर से उसे बता दें कि अब उसके बाद से वो दिखनी भी बंद हो गई इस पानी के अंदर, जिसके बाद अब ना जाने फिलहाल क्या होगा आगे, क्योंकि अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और काफ़ी देर भी हो चुकी है। लेकिन बहन का भी बहुत बुरा हाल है, दोनों बहनों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं था। अब फिलहाल बता दें कि जो उसकी बहन है सिया की, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे थे, वो भी फिलहाल अकेली ज़रूर रह गई है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अब जो सिया को फिलहाल प्रयास जो है वो ढूंढने का फिलहाल किया जा रहा है, और अन्य जो गोताखोर हैं वो भी फिलहाल मौके पर जो हैं जल्दी ही जो है पहुँच रहे हैं। तो आपको बता दें फिलहाल जो मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह है वो तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पहुंचे हुए हैं, लड़की सिया ने जो इस नहर में छलांग लगा दी थी जिसे ढूंढने का प्रयास जो है फिलहाल और भी लोगों द्वारा किया जा रहा था, तो मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। प्रगट सिंह जी क्या कुछ कहेंगे, अभी लड़की है एक सिया, उसने जंप लगा दिया था, फिलहाल कैसे फिलहाल अब उसे ढूंढेंगे, काफ़ी देर होगी फिलहाल। जी बिल्कुल, एक घंटा पहले एक मैसेज आया था 9 नंबर से कि एक लड़की थी जो एक्टिवा खड़ी करती है, अपने जूतों को उतारे और नहर के अंदर ने जंप कर दिया, उसको बचाने का प्रयास भी कुछ युवकों द्वारा किया गया लेकिन वो नहीं बच पाई। तो उसका मैसेज मिलते ही टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं और सर्च जारी है, टीम लगातार पानी के अंदर अपना काम कर रही है और पानी बिल्कुल कम है, बहाव भी बिल्कुल कम है। अगर भगवान ने चाहा अगले 15-20 मिनट में हमारा जो ये सेवा है सफल होगी और वो बॉडी जरूर मिल जाएगी। क्या लगता है पास में ही होगी, आसपास में? बिल्कुल आसपास ही मिलेगी, पानी बिल्कुल ना के बराबर है, पानी कम भी है और स्पीड भी जीरो है। जी जी जी, और यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि जो पानी है वो कम है, तो पानी कम है ऐसे में जो बॉडी है वो आराम से मिल सकती है, शव आराम से मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल इस नहर में पहले कई बार जो है इस तरीके से शव मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन आज बता दें कि एक लड़की ने जैसे कि जंप कर दिया इस नहर के अंदर, और वो लड़की जो थी बीए क्लास के अंदर जो है फिलहाल पढ़ती थी, बीए के अंदर पढ़ती थी और साथ में उसकी जो बहन है वो मौके पर आई, दोनों ही बहनों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। 6 महीने पहले ही फिलहाल बता रहे हैं कि जिसकी माँ की जो है मौत हो गई थी, लेकिन दोनों ही अपनी नाना नानी के पास जो है वो रहते थे, लेकिन आज ना जाने क्यों वो घर से निकली सुबह 12 बजे के आसपास, उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही उसने यहाँ पर जंप लगाया, जिसके बाद एक लड़के ने सामने की ओर से बचाने का प्रयास किया तो उस लड़की ने उस लड़के की गर्दन दबा दी, जिसके बाद जो है वो लड़के ने उसे छोड़ा तो उसने दोबारा से पानी के अंदर ही रुक कर लिया। और यहाँ पर फिलहाल अब जो टीमों द्वारा प्रयास जो है गोताखोर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा फिलहाल प्रयास जो है ना ढूंढने का किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि गोताखोर प्रगट सिंह हैं, उनकी टीम के द्वारा जो है अभी फिलहाल शव को ढूंढने का प्रयास जो है किया जा रहा है। पानी की गहराई आप फिलहाल देख रहे हैं और बीच में और भी ज़्यादा पानी गहरा हो जाता है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि जो गोताखोर हैं वो कितनी नीचे हैं, तो पानी कहीं ना कहीं गहरा तो ज़रूर है लेकिन फिलहाल उतना गहरा नहीं है जैसे कि आमतौर पर गर्मियों के समय में होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो टीमें हैं वो फिलहाल प्रयास ज़रूर कर रही हैं ढूंढने का, लेकिन जो गोताखोर हैं प्रगट सिंह, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही शव को ढूंढ लेंगे क्योंकि पानी जो है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है और यहीं आसपास जो है वो बॉडी ज़रूर हो सकती है सिया की। तो आप देख रहे हैं कि वो प्रयास ज़रूर कर रहे हैं जो गोताखोर प्रगट सिंह की जो टीम है उनके द्वारा, जितने भी उनके सदस्य हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो गोताखोर प्रगट सिंह है उनके टीम द्वारा काफ़ी समय से ढूंढने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है और वो हाल ही में करनाल आए हुए थे, हालांकि उनके पास कोई किट नहीं थी लेकिन फिर भी वो यहां पर पहुंचे और यहां पर फिलहाल उनकी टीम ने ढूंढने का प्रयास जो है वो फिलहाल लगातार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर है हमारे प्रशासन का, जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो ना कोई बोट
है, किश्ती है, ना ही कोई बचाने के लिए कोई उपकरण है, ना ही सरकारी जो गोताखोर हैं वो भी पिछले काफ़ी समय से गुहार लगा रहे थे कि उनकी जो है तनख्वाह नहीं मिलती है। तो आप देख लीजिए कि क्या जो है ये प्रशासन के इंतज़ाम है, यानी कि अगर कोई डूब जाए तो उसका शव ढूंढने के लिए भी जो है कितने कितने घंटों और कहीं कहीं दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो ये तस्वीर हम आपको करनाल शहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक लड़की जंप कर लेती है लेकिन अभी तक उसके शव को ढूंढने के लिए कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं, सिवाय इसके कि जो प्राइवेट गोताखोर हैं वो खुद अपनी जेब से खर्चा कर करके यहाँ पर पहुँचते हैं। गोताखोर जी क्या बताएंगे, कोई इंतज़ाम नहीं है सरकार का। आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पर सेवा देते हुए और आप आज भी क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज एक यहाँ पर हमारा सम्मानित समारोह था, उसके लिए हम टीम के साथ आए थे, लेकिन जैसे लड़की के बारे में मैसेज मिला तो हमने वो प्रोग्राम अपना स्थगित किया, पहले परिवार के पास पहुँचे। और जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, चाहे हमारी टीम है चाहे करनाल की वो सरकारी टीम है, अगर सीएम सिटी के अंदर भी ये हाल है तो हम दूसरे शहरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रशासन को वो हर एक चीज़ मुहैया करानी चाहिए जिसके चलते गोताखोर अपनी जान भी सुरक्षित रख सकें और समाज की सेवा भी कर सकें। रस्से, किश्तियाँ, बोट, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सरकार के माध्यम से किसी भी गोताखोर के पास नहीं, जिन गोताखोरों ने ये सामान बनाया है जैसे हमारी टीम का, हमें भी वो चीज़ें दान में मिली हुई जो अभी तक गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। एक बोट को कोई इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 5 से 10 लाख रुपए में एक अच्छी बोट आ सकती है। बिल्कुल जी, 10 लाख में ये सारा सामान बिल्कुल अच्छा मिल जाए, अच्छे से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। अभी तक प्रयास कर रहे हैं गोताखोर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सरकारी गोताखोर भी फिलहाल जो है उन्हें भी कॉल किया गया था जो मौके पर बता रहे थे पहुँच रहे हैं। तो बता दें गोताखोर जो करण है अपनी टीम के साथ, देख लीजिए सामने की ओर ये जा रहे हैं और अब वो यहाँ पर पहुँच कर जो है शव को ढूंढने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी इस बात की उम्मीद लगा पाना कि सिया इस समय बिल्कुल जो है ठीक होगी ये उम्मीद लगाना भी कहीं ना कहीं अब गलत होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी समय से जो आसपास के लोग हैं वो भी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। गोताखोर प्रगट सिंह भी जो है अपनी टीम के साथ पहुँच गए और गोताखोर करण भी सामने जो है अपने जो है फिलहाल जो कॉस्ट्यूम है उसके साथ जो है फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर भी करें और करनाल के क्या हालात हैं सीएम सिटी के ये आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। अगर कोई शव जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर छलांग लगा दे तो उसके बाद कितने कितने घंटे तक तो उसे ढूंढने की प्रक्रिया ही जो है वो शुरू नहीं की जाती है। तो आप देख सकते हैं जो गोताखोर करण है वो अपनी टीम के साथ अभी फिलहाल पानी में उतरे हैं और ये प्रयास करेंगे ढूंढने का सिया को, सिया के शव को, क्योंकि अब पानी यहाँ पर देख लीजिए कि कितना गहरा है। हालांकि ये पानी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में, लेकिन अभी फिलहाल सर्दियों का समय ही जो अभी ख़त्म होने को आया है तो ऐसे में पानी अभी कम है, लेकिन उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो बहन है बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर फिलहाल जो गोताखोर प्रगट सिंह की टीम है वो भी प्रयास ज़रूर कर रही थी ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और देख रहे हैं कि जो गोताखोर करण है सरकारी गोताखोर हैं वो पहुंचे हैं यहाँ मौके पर और यहाँ पर फिलहाल ढूंढने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हिमालय का पानी जो है पिघलती हुई बर्फ़ का पानी जो है नहरों में नदियों में आता है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन फिर भी गोताखोर अपनी तौर से भरपूर प्रयास जो है वो करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो आ भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जगह है जहाँ पर वो शव कहीं ना कहीं फंसा होगा, लेकिन न जाने कहाँ फंसा होगा। इतनी बड़ी नहर में ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी ओर से गोताखोर प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी देर से प्रयास जो किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सिया का जो शव है वो ज़रूर मिल जाएगा। आपसे निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, उस परिवार को भी ये दुख सहने की शक्ति ज़रूर मिले जिस परिवार के साथ इतना बड़ा जो है हादसा हुआ है। उसकी जो बहन है फिलहाल अकेली रह गई है, माँ बाप का साया पहले सर पर नहीं था, आज बड़ी बहन का साया भी जो है वो सर से एक तरीके से उठ गया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल उसका शव जो है फिलहाल वो जरूर बरामद हो जाए, इसकी हम लगातार उम्मीद जो है वो करते हैं। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।